हेलो गाइस, आपने फर्स्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट कमेंट था वो मैक्सिमम कमेंट जो था उसका डिस्कस कर लिया। तो अभी इसका जो प्लान है, प्लान ड्रॉ करके दिखाएंगे और जो अननोन है वो आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी मैंने यहीं पे 6 मीटर बाई 10 मीटर का हाउस प्लान ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले क्या लेना है, लाइन कमेंट अदरवाइज एल एंटर। तो यहीं पे लाइन कमांड ले लिया। तो यहीं पे इस तरफ लेंगे 6 मीटर है और इस तरफ जो है इस तरफ लेंगे 10 मीटर। तो इधर से ये जो मेज़रमेंट है ये देखिए 6 मीटर है और इस तरफ जो है 10 मीटर। देखिए 10 मीटर है तो मिलीमीटर में है। तो अभी यहीं पे इधर भी इसको वॉल बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यही मेज़रमेंट को कॉपी कर देंगे। तो यहीं पे कॉपी कमांड CO अदरवाइज यहीं पे कॉपी है सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको क्लिक करके इस तरफ खींचना है। तो ये पॉइंट आ गया, इसमें क्लिक कर देना है। सेम चीज़ यहीं पे अप्लाई करना है, कॉपी करके इसको इस तरफ सेट करना है। तो यहीं पे सेट हुआ नहीं है, दोबारा करेंगे। तो इस तरफ से यहीं पे लाके इसको इस तरफ पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया 6 मीटर बाय 10 मीटर है। तो यहीं पे आउटसाइड का वॉल 9 इंच का प्रोवाइड करेंगे। तो ऑफसेट O.Enter देना है। उसके बाद कितना ऑफसेट लेना है, 230 mm ऑफसेट लेना है चारों तरफ। इस तरफ भी इसको क्लिक करके जिस तरफ लेना है ऑफसेट, इस तरफ या इस तरफ लेके इसको क्लिक कर देना है। तो मेरे को अंदर साइड चाहिए तो अंदर साइड में क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, रेडी हो गया। तो अभी क्या करेंगे, इसके अंदर रूम प्रोवाइड करेंगे। तो लाइन लेके इसका जो सेंटर है इस तरफ एक खींच देंगे। तो देखिए यहीं पे हम इस तरफ चाहते हैं कि 2 बेडरूम बनाने के लिए, तो इसको सेंटर पॉइंट जो है उसको मैंने इस तरफ से प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद यहीं पे ऑफसेट कमेंट लेके इसको 5 इंच का वॉल ने ड्रा कर देंगे इधर से और ये सेंटर से इधर से। उसके बाद सेंटर को रिमूव कर देंगे। तो यहीं पे सेंटर रिमूव हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3 मीटर लेंगे, 3 मीटर कॉपी करके इस लाइन को कॉपी करके 3 मीटर इधर जाना है। तो कॉपी करने के बाद जिधर कॉपी करना है जिधर लेना है उस तरफ उसको का सबको खींचना है। मेरे को इस तरफ लेना था तो इस तरफ लेके एंटर मार दिया। तो देखिए 3 मीटर में ये हो गया। और एक प्रोसेस क्या होता है, ऑफसेट लेके जितना दूर में आपको ऑफसेट लाइन चाहिए उतना एंटर मार दीजिए तो हो जाएगा। देखिए अभी मैंने यहीं पर 115 मिलीमीटर का वॉल ड्रा करेंगे। उसके बाद एंट्री, उसके बाद देखिए इस तरफ हम वॉल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वॉल कैसे बनाना है अपन सीख लिया है। तो देखिए इसका जो मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट देख लेते हैं। इधर से ये मेज़रमेंट आ रहा है 2664 और ये भी सेम आएगा, नहीं थोड़ा सा इसमें छुआ है, ठीक है चलिए जो उतना है उतना ही फिलहाल रखेंगे। इस तरफ 3 मीटर है, इस तरफ भी 3 मीटर है। उसके बाद यहीं पे 2 रूम ड्रा कर लिया। उसके बाद यहीं पे ड्रा करेंगे स्टेयरकेस, टॉयलेट ये सभी ड्रा कर लेंगे। तो यहीं पे देखिए यहीं पे जो वॉल है ये वॉल सेम इस तरफ आएगा, तो इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद ऑफसेट कितना बनाना है, 1315, तो इसका कितना 1200 mm गैप रह जाएगा। तो हम 1200 mm बाई 8 फीट का 2400 का ये रखेंगे, टॉयलेट रखेंगे। उसके बाद ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट बनाने के बाद यहीं पे क्या करेंगे, डोर ड्रा करेंगे। तो ये ऑफसेट इधर से 900 mm, ये वॉल से भी 900 mm,
में हमको डोर बनाना है, तो इसको डोर बना देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको कट करना है, रिमूव करना है। तो यहीं पे देखिए स्ट्रीम कमांड लेके राइट क्लिक, उसके बाद जिसको काटना है उसको सिलेक्ट कर दें, सही हो काट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ से हमको डोर बनाना है। उसके बाद यहीं पे जितना जगह रहेगा इसके अंदर हमको लाइन ड्रा कर देना है। उसके बाद इसको ऑफसेट लेके यहीं पे वॉल ड्रा कर देना है। तो कितना आ रहा है यहीं पे 1699। ठीक है, तो ये हो गया टॉयलेट है, और यहीं पे भी एक टॉयलेट ड्रा कर लेंगे ऑफसेट लेके इस तरफ। एक को कॉमन टॉयलेट रखेंगे, एक को क्या करेंगे अटैच रखेंगे। तो इसका जो इसका डोर होगा 750 mm, तो इस तरफ से इसका डोर ऑफसेट लेके डोर रेडी कर देंगे। उसके बाद इसको ट्रिम कर देंगे, तो इस रूम के साथ ये अटैच हो गया। तो यहीं पे ये लाइन को थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, उसके बाद इसको भी ऐसा बढ़ा देंगे, इसको भी डोर के लिए ओपन छोड़ देते हैं, इस तरफ करेंगे डोर को। अगर आपको जिस तरफ करना है उस तरफ से आप कर लीजिए, प्रोसेस एक ही है। तो इसके बाद इसको जो अनवांटेड लाइन है उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया कॉमन टॉयलेट। उसके बाद क्या करेंगे, डाइनिंग हॉल किचन और स्टेयर रूम हमको बनाना है। तो इतना जगह है इसके अंदर हमको बनाना है। तो स्टेयर बनाने के लिए ये वॉल से हम 1800 mm लेंगे इस तरफ, उसके बाद 5 inch का वॉल डालेंगे ऑफसेट लेके 115 mm का। उसके बाद देखिए यहीं पे जो लैंडिंग है स्टेयर का लैंडिंग रहेगा 900 mm, इस तरफ ले लिया। उसके बाद इसको कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, ये सब कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहीं पे क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट से हम इसको लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखिए एक एक स्टेयर का जो स्टेप है मिनिमम 250 mm होना चाहिए। तो यहीं पे ऑप्शन लेके 250 mm में स्टेप बनाएंगे। कितना टेप होगा, 24th नंबर टेप यहीं पे हम बनाएंगे। तो एक थ्री हो गया, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इंटू टू मीन्स 24 हो गया। इसको रिमूव कर देंगे। तो यहीं पे क्या किया, ये 250 mm ये लाइन से रेफरेंस से 250 mm ऑफसेट लेके जस्ट ऑफसेट बना दिया, तो इस पर रेडी हो गया। तो इसका 4 feet हमको यहीं पे गेट रखना है। तो 4 feet ऑफसेट लेंगे, या 1200 mm का गेट रखना है ऑफसेट 1200 enter, उसके बाद इस तरफ ऑफसेट लेना है। तो यहीं पे इसको कट कर देना है, ट्रिम कर देना है, इसको भी ट्रिम कर देना है, अनवांटेड जो लाइन है उसको रिमूव कर देना है। तो यहीं पे इजीली ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद यहीं पे क्या करना है, यहीं पे हमको किचन बनाना है। तो किचन के लिए क्या करेंगे, यहीं पे कितना जगह है इसके अंदर किचन हम कर देंगे, 3 meter 195 है। तो इसको क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट लेने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पे जो लाइन है इसको ही कंटिन्यू कर देंगे। लाइन लेके इसको जस्ट इसको टच कर देंगे, यहीं पे भी ये लाइन का ऑफसेट है, यहीं पे लगा के इसको ऐसा कर देंगे। तो इसके बाद यहीं पे गेट रखना है, तो गेट इस तरफ रखेंगे या इस तरफ रखेंगे, इस तरफ ही रख देते हैं। तो इसका 900 mm इसको ऑफसेट ये लाइन का रेफरेंस से लेना है, उसके बाद इसको कट कर देना है। उसके बाद देखिए ये जो वॉल है, वॉल का इस तरफ भी इसको कट कर देना चाहिए, सभी यहीं पे ये सब कट कर देना है। उसके बाद यहीं पे कॉर्नर पे भी है, इसको भी कट कर देना है, ये सभी कट कर देना है। तो यहीं पे ट्रिम कमांड ज़्यादा यूज़ होगा,
तो इसको ट्रिम कर देना है, जस्ट ट्रिम कर दे रहा हूँ। एक बार लेने के बाद जिधर जिधर आपको ट्रिम करना है एक ही टाइम वन टाइम आप कर सकते हैं। तो ऐसा करके इसको ये कर देना है। तो देखिए यहीं पे जो मेज़रमेंट है ये लिनियर लेके क्लिक करके इसको मेज़रमेंट ले लेना है और इस तरह भी लेके। दो बार लेने का ज़रूरत नहीं है, एक बार ले लीजिए उसके बाद बैक फेस या एंटर मारने से ही रिपीट होगा। तो देखिए बैक फेस मार के इसको रिपीट कर लिया, लिनियर को रिपीट कर लिया। यहीं पे भी इसको मेज़रमेंट डाल देंगे, उसके बाद ये हॉल है, हॉल का भी मेज़रमेंट हम डाल देंगे। देखिए जितना मेज़रमेंट है ऑटोमेटिकली यहीं पे पुट हो जाएगा। यहीं पे 1800 है, उसके बाद इधर से ये मेज़रमेंट को ले लेंगे। ये हो गया तो मेज़रमेंट। तो यहीं पे विंडो वगैरह भी बैठाना है और कॉलम पोजीशन भी आपको दिखाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। तो आप ये जो बेसिक है, बेसिक आपको बताया, ऐसा आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ऐसा करके अपना हिसाब से आप ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। जितना साइज होगा आप इसको ऐसा करके बना सकते हैं।